आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साधला आमदार सौ जोल्ले यांच्याशी संवाद. शेतकऱ्यांच्या हिताबद्दल केले जोल्ले यांनी प्रश्न. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 224 विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवारांशी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. नमस्ते जी, शशिकला जी नमस्ते. नमस्ते भाई साहब, मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपको. नमस्ते, नमस्ते. खुश हो रही हूँ, बहुत ही खुश हो रही हूँ, खुश नसीब समझती हूँ. एक तो मुझे अच्छा लगा कि आपने भी मेरी तरह कमल लगा दिया. हाँ, और मैं चाहूंगा भाजपा का कार्यकर्ता के शरीर पर 12 तारीख मतदान तक कमल होना चाहिए चुनाव में. नहीं, हमेशा मेरा हमेशा रहेगा सर जी. प्रश्न पूछूं? हाँ बता, पूछे पूछिए. तो भारत किसान प्रधान देश समझते हैं, भारत का आधार स्तंभ किसान है. तो पिछले 5 साल में मेरे कर्नाटका में किसानों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारे आत्महत्या हो गई. तो आप आपके गवर्नमेंट से आज तक किसानों के लिए क्या क्या सोचा है और किसानों का इनकम डबल करने का क्या सोचा है, और जब हमारा गवर्नमेंट कर्नाटका में आएगा तो किसानों के लिए आप क्या बताएंगे सर? देखिए, आपने किसानों का सवाल पूछा है और मैं मानता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है. आपने देखा होगा कि किसान को कम खर्च लागत से, कम खर्च से उसका खर्चा कम हो और कमाई कैसे हो. आपके कर्नाटक में मैं बीच में आया था तो मुझे किसानों से मिलने का मौका मिला और हमारे एक एमपी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठा करके बहुत ही अच्छे ढंग से किसानों को फायदा पहुंचाने की दिशा में उन्होंने काम किया. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये किसानों का को एश्योरेंस देती है, गारंटी देती है. इसका हम ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, राज्य सरकार भी उसमें जुड़ेगी, फायदा होगा. दूसरा है एमएसपी. एमएसपी पहले भी घोषित होते थे लेकिन एमएसपी का लाभ किसान तक नहीं पहुंचता था क्योंकि सरकार खरीदी नहीं करती थी. हम राज्य सरकारों को और एफिशिएंट, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी योगी जी ने इतना बड़ा काम किया, पहले जहां गेहूं एमएसपी में 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख टन लिया जाता था और घोषणाएं हो जाती थी एमएसपी का ये ध्यान दे, लेकिन लेने की व्यवस्था ही नहीं थी तो किसान को तो बेचारे को बाजार में जाकर के आधे पैसों से बेचना पड़ता था. योगी जी ने इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी कर दी और मुझे पिछली बार बताया शायद 10 गुना उन्होंने धान एमएसपी में खरीदने में सफलता पाई. अब आप मुझे बताइए कि एमएसपी घोषित करना एक बात है और इसके लिए राज्य सरकारों को एफिशिएंट बनाना होता है. कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये एफिशिएंसी आएगी जो किसान को उसका फायदा देगा. ई मंडी, आज हमने 500 ई मंडी को बल दिया है, उसका लाभ मिलने वाला है. पशुपालन अतिरिक्त बल देना है. हमने बांस की खेती के लिए अलाउ कर दिया है. अगर हमारे खेत के किनारे पर हम बांस की खेती करते हैं तो आप देखिए कितना बड़ा लाभ होता है. आम कर्नाटक के लोगों को मैं एक और खबर भी देना चाहता हूं. कर्नाटक प्रदेश जो चंदन की खेती के कारण जाना जाता था, चंदन की लकड़ी के कारण जानता था, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने हमारे यहां कर्नाटक से चंदन के स्पेसिमेन ले जाकर के एक बहुत बड़ा जंगल खड़ा कर दिया है. दुनिया के बाजार में अब कर्नाटक को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करना पड़े ऐसी स्थिति पैदा हो गई है. सरकारें सोती रही भूतकाल में. हमें कर्नाटक की जो सबसे बड़ी ताकत है चंदन, उस पर बल देना है और दुनिया में अग्रिम पंक्ति में हमारे कर्नाटक की चंदन की लकड़ी और उससे बनी हुई चीजें जो लाखों लोगों को रोजगार देती है, हमारी अपनी शान है, पहचान है, उसको बल देना. और इसलिए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं. सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान को
जिस धरती माता से अपना पेट भरता है, समाज का पेट भरता है, देश का पेट भरता है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा करता है, अगर वो धरती माता बीमार हो गई तो क्या होगा। धरती माता इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड, हमारी धरती माता की तबीयत कैसी है, वो कहीं बीमार तो नहीं हो गई, उसके अंदर कुछ कमियां तो नहीं आ गई, बिन जरूरी उसमें फर्टिलाइजर तो नहीं डाल दिया, बिन जरूरी उसमें पानी तो नहीं डाल दिया, दवाइयां तो नहीं डाल दी। हमारे किसान को आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की ओर ले जाने के लिए ये काम करना है। सोलार पंप, जैसे मैंने कहा कि सोलार रिवॉल्यूशन के लिए कर्नाटक में बहुत काम कर रहे हैं, आगे के दिनों में हम किसान को सोलार पंप की ओर ले जाना चाहते हैं। सूर्य शक्ति से चलने वाले पंप से ही वो पानी निकाले और ड्रिप इरिगेशन से आगे पहुंचाए, स्प्रिंकलर से पहुंचाए, उसका खर्चा कम हो जाएगा। हम वैल्यू एडिशन चाहते हैं। आपको मालूम होगा मैं कर्नाटक में बहुत पहले जब नई नई सरकार बनाई उसके कुछ ही महीनों में मैंने कर्नाटक में आकर के एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग का बड़ा पार्क का उद्घाटन किया था। अब पूरे देश में हम उसका नेटवर्क बना रहे हैं। हमने पूरा एक ग्लोबल लेवल का फूड का वैल्यू एडिशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए दुनिया के लोगों को बुलाया था। कर्नाटक में इसकी बहुत संभावना है। कर्नाटक में ऐसे उत्पादन है जिसका फूड प्रोसेसिंग के द्वारा हम दुनिया के अंदर अपना स्थान पैदा कर सकते हैं। तो ऐसी अनेक चीजें हैं जिस पर हम बल देना चाहते हैं और किसान को एक नए। अब आप देखिए, यूरिया में नीम कोटिंग किया, यूरिया की चोरी बंद हो गई और नीम कोटिंग के कारण उत्पादन में 5%, 7%, 15% सुधार हो गया। हम डेयरी में बल देना चाहते हैं, पशुपालन को। हम स्वीट रिवॉल्यूशन करना चाहते हैं, हनी, मधु का उत्पादन, शहद का उत्पादन, हनी का उत्पादन। हमारा किसान अगर 50 भी पेटी रख लेता है अपने खेत में, फसल को तो वो फायदा करते ही करती है मधुमक्खी, लेकिन 1.5-2 लाख रुपया हमारा किसान आराम से शहद से कमा सकता है। और शहद तो रखो खराब भी नहीं होता है, जब अच्छा दाम मिले बेच सकते हो, एक बॉटल में भर करके रख लो, जरूरत पड़ी जाके बेच के आ जाओ, कमाई कर सकते हो। ये सारी संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा समुद्री तट, हम ब्लू रिवॉल्यूशन पर जाना चाहते हैं। हमारे कर्नाटक का समुद्री तट है, हमारे मछुआरे भाइयों बहनों की जिंदगी बदलना चाहते हैं। हम समुद्री तट पर समुद्री के पानी से सीवीड की खेती करके उसमें से फर्टिलाइजर की बदली में दवाइयां, उसमें से फार्मास्यूटिकल के लिए दवाइयां, आज उस पर हम बल देना चाहते हैं। तो ऐसी चीजें जो आराम से कोई कर सके, उन चीजों को लेकर के आना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहते हैं, आधुनिकता का उपयोग करना चाहे। और मुझे विश्वास है कि हम किसानों की जिंदगी बदलने में सफल होंगे। अच्छा लगा आपने मुझे कृषि के संबंध में बातें करने का मौका दिया।